सो हेलो पोकेमॉन फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पोके साहिल। तो पोकेमॉन मूवी 1 जिसका नाम है म्यू टू का बदला, वो मूवी आप सभी ने देखी होगी, और जिसने नहीं देखी तो वो काहे का पोकेमॉन फैन। जी हाँ, अगर आप ट्रू पोकेमॉन फैन हैं तो मूवी 1 जरूर देखना, क्योंकि आज की हम वीडियो में पोकेमॉन मूवी 1 पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं, यानी उसकी स्टोरी और उसके कुछ फैक्ट, कुछ हिडन डिटेल और कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहा तो हम बाकी मूवीज़ पे भी ऐसी ही वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसे 10 मिनट फुल वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टोरी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो भाई स्पॉयलर होने वाला है, इसलिए पहले ये मूवी देख लो फिर ये वीडियो देखना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूं मैं, ताकि आप इस मूवी से पूरे तरह से वाकिफ रहें या फिर कहें जानकार रहें। तो इस मूवी का ओरिजिनल जैपनीज नेम है म्यूटू स्ट्राइक बैक, जिसे हिंदी डब किया गया तो उसका नाम रख दिया गया म्यूटू का बदला। और हाँ, जब ये ओरिजिनली रिलीज हुई थी तो ये रिलीज हुई थी July 18, 1998 में, और वर्ल्ड वाइड यानी यूनाइटेड स्टेट में ये रिलीज हुई November 12, 1999 में। और हाँ, अब बात करें इसके हिंदी रिलीज डेट की, तो हिंदी में इसे रिलीज किया था हंगामा टीवी द्वारा, या कह सकते हैं डिज्नी कंपनी द्वारा, तो जो कि रिलीज 18 अप्रैल 2015 में, वो भी हंगामा टीवी में पहली बार आई थी। ये हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि म्यू को ढूंढ रहे होते हैं, और हाँ बाद में उन्हें म्यू नहीं मिलता पर उसका डीएनए मिल जाता है। इसी डीएनए से फिर बनता है अपना म्यू टू पोकेमॉन। और हाँ, म्यू टू पोकेमॉन को पोकेमॉन के एपिसोड में ही हमें दिखा दिया गया था, जिसमें गैरी म्यू टू से बैटल करता है और वहाँ फिर ऐस आ जाता है और वो जिम उड़ा देता है। तो ये थी हिडन डिटेल, मतलब म्यू टू फिर उस जिम को उड़ा के चला जाता है, इस मूवी में आ जाता है असल में, और हमारा ऐस भी वहाँ से 8 बैच कलेक्ट करके इस मूवी में आ जाता है, यानी उस एपिसोड के बाद डायरेक्ट ये मूवी आई है। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें अपना हीरो ऐस दिखाया जाता है, जो लड़ता है एक ट्रेनर से, और ट्रेनर के पास गजब की बैटल होती है, मतलब एक शानदार बैटल होती है इस ट्रेनर के साथ, क्योंकि ये ट्रेनर जो आता है ये ऐस से बैटल करने को कहता है और एक बार में ऐस हरा देता है। तो अगर आप किसकी हिंदी डबिंग देखेंगे तो बोलेंगे भाई ऐस ने तो उसे एक बार में हरा दिया, लेकिन ओरिजिनल यानी ये भी एक डिटेल है कि ओरिजिनल यानी मूवी में एक सॉन्ग के साथ ऐसे से फुल बैटल होती है, तब ऐसा राब आता है। और मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है फिर ड्रैगनाइट आता है, जो एक मैसेज लेके आता है कि इस सबसे ताकतवर पोकेमोन ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। फिर ऐस बाकी सब लोग वहीं जाते हैं, साथ में कुछ और भी ट्रेनर जाते हैं जिनके पास एक ब्लास्टोस, एक वीनस और चार्जर वाला ट्रेनर हमारा ऐस होता है। लेकिन भैया ये पिजियोटो वाला कहाँ गया, ये भी एक डिटेल थी। ऐसे ही जाते हैं, फिर वहाँ एक धमाचाल बैटल होती है, म्यू टू भी एक क्लोन मशीन रखता है जिससे बहुत सारे क्लोन पोकेमोन बना देता है, जैसे कि चार्जर्ड वगैरह वगैरह। बाकी अगर आप मूवी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भले ही स्पॉइलर अलर्ट दे दिया हूँ लेकिन फिर भी कोई स्पॉइल नहीं करना चाहता इस वीडियो में। और इसी के साथ यहाँ हमारे सबकी हीरोज़ की बैटल होती है, और लेकिन म्यू बीच में आ जाते हैं रोकने, और म्यू टू अटैक कर देता है म्यू पे, और म्यू अटैक करती है म्यू टू पे, दोनों के बीच आ जाता है अपना ऐस और वो पत्थर का बन जाता है, जिससे बाकी सारे पोकेमोन रो के उसे ठीक कर देते हैं। पता नहीं क्या ही लॉजिक था, लेकिन वो सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली था सभी पोकेमोन फैंस के लिए। जैसे ही ऐस ठीक हो जाता है सब काफ़ी खुश हो जाते हैं, और म्यू टू भी बोल देता है कि इंसान अच्छे हैं, और एक चुटकी बजाता है सब लोग की याददाश्त गुम हो जाती है, और इवन अपना ऐस भी सब भूल जाता है। लेकिन मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि ऐस को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हम पहले यहाँ आ चुके हैं, और आगे चल के ऐस म्यूटू से दोबारा मिलेगा, कब ये तो आप जानते ही होंगे। तो यही थी इस मूवी की स्टोरी, और अब चलते हैं मूवी के रिलेटेड कुछ फैक्ट के ऊपर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि म्यूटू पहले मूवी में अपेयर होने ही नहीं वाला था। जी हाँ, आपने कैंटो रीजन का वो एपिसोड देखा ही होगा जिसमें म्यूटू आता है, मतलब उसी एपिसोड के दौरान म्यू को भी दिखाने वाले थे, यानी उसी एपिसोड में म्यू और म्यू टू की बैटल होती। लेकिन जब ऑडियंस बढ़ जाने के कारण पोकेमॉन की, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ने तो सोच लिया था कि ये पोकेमॉन का एक ही सीजन बनेगा,
जो कि अपना कैंटो रीजन रहेगा। लेकिन ऑडियंस बढ़ने के कारण इसकी डिमांड बढ़ी और उस आइडिया को ड्रॉप कर लिया गया। इसलिए अगर आपने पोकेमॉन कैंटो के एपिसोड ध्यान से देखे होंगे जिसमें म्यूटू आता है, उसके जस्ट बाद वाला एपिसोड एकदम अलग ही है। मतलब उसकी स्टोरी एक भी मैच नहीं करती, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी जो है वो पूरी मूवी में है, जहां अपना एस 8 बैच लेके चलता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि पोकेमॉन मूवी 1 के ओरिजिनल थीम सॉन्ग में हमें इस ट्रेनर के पास डॉन फैन भी दिखाया गया था, लेकिन जब ये यूके एंड यूनाइटेड किंगडम में डब हुआ तो उस सीन को कट कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया उसके पोकेमॉन से। और हाँ, आप इसे हिंदी डब में भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये पोकेमॉन सिर्फ जैपनीज और इंडियन थीम में ही देखने को मिलेगा, जो कि है डॉन फैन। और आपको पता ही है कि डॉन फैन जोटो रीजन से है, यानी रीजन से पहले अपेयरेंस। और हाँ, यहाँ हम टोगेपी को नहीं लेंगे क्योंकि वो एपिसोड में दिखी थी, मूवी में तो है ही। फैक्ट नंबर 3, ये जो पोकेमॉन की मूवी है म्यूटू स्ट्राइक बैक, ये करंट टाइम में 6 नंबर पे एनिमेशन फिल्म है और इसका ऑल टाइम बजट है 163 मिलियन। और फैक्ट नंबर 4, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस मूवी में ऐश मर जाता है आखिरी में। तो भैया, पोकेमॉन के एक इंटरव्यू में जो पोकेमॉन कंपनी है उन्होंने खुद बताया था कि ऐश मरता नहीं है बल्कि पत्थर में बदल जाता है, यानी उसकी सांसें तब भी चल रही होती हैं, दिल धड़कन सब दिमाग वगैरह चल रहा होता है, सिर्फ वो पत्थर में बदल जाता है अटैक के कारण। और हाँ, जो म्यूटू और म्यू ने जो अटैक किया था उससे ऐश जो है वो स्टोन में चेंज हो जाता है, और पोकेमॉन के आंसू में कुछ ऐसा रहता है जिससे कि वापस से ऐश ठीक हो जाता है, और वो क्या रहता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फैक्ट नंबर 5, तो क्या आपको पता है कि पोकेमॉन की ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट गई और ये नंबर 1 में भी आई थी उस समय। तो इसी के चलते इसका एक सीक्वल म्यूटू रिटर्न भी बनाया गया था, जो अच्छी खासी हिट तो नहीं रही, पर उसमें भी वो भी मतलब ज़्यादा हाई नहीं गई वो वाली मूवी, इसलिए उसे मूवी लिस्ट में ना रख के एक शॉर्ट सीरीज़ की तरह लिया गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि पोकेमॉन की इस मूवी का रीमेक भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक एवोल्यूशन, जो कि हिंदी डब भी हो चुका है, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। तो यही थे कुछ फैक्ट, और अब चलते हैं मिस्टेक की तरफ। तो मिस्टेक नंबर 1, क्या आप पता है कि इस मूवी में हमें जब वो स्टोन आने वाला है उससे पहले बहुत से कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो उस आइलैंड की तरफ जाते हैं, उसमें से ये एक लड़की होती है जो फ्योरो के ऊपर बैठ के जाती है, उसके बाद से हमें मूवी में कहीं नहीं दिखाई जाती। इवन जब मूवी ख़त्म हो जाती है और सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तब भी ये वहाँ नहीं दिखाई दी जाती, बाकी सारे करेक्टर दिखा दिए जाते हैं इसको छोड़ के। तो हो सकता है ये मूवी में मर गई हो स्टॉर्म के कारण, या फिर ये भी एक पोकेमॉन कंपनी की मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 2, आपने रैपिड एस वाला मिस्टेक तो कहीं ना कहीं सुना होगा, तो ऐसा सेम हुआ था, उन्होंने रैपिड एस की फायर ही गायब कर दी थी इस मूवी के एक सीन में। मिस्टेक नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस मूवी में पोकेमॉन नाम से लेके काफ़ी सारी मिस्टेक की गई, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक थी बल्बासौर के नाम को लेकर, जो कि थी बल्बासौर को इसमें म्याओ चिकोरिटा बोल देता है, जो कि आपको पता ही है कि जोटो रीजन का स्टार पोकेमॉन है, तो उसका नाम इसमें कैसे आ गया, ये भी एक डबिंग मिस्टेक थी, पर थी तो मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 4, तो मूवी की स्टार्टिंग में जो बंदा या फिर एक ट्रेनर जो ऐसे बैटल कर रहा होता है उसके पास हमें एक पॉकी बॉल दिखाई जाती हैं, जो कि रहते हैं सिर्फ 2 ही पॉकी बॉल, लेकिन जब वो उसके पोकेमॉन हार जाते हैं तो हमें 3 पोकेमॉन दिखाए जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, अब ये मिस्टेक भी इसी से लेके है कि जब ये अपने पोकेमॉन को दिखाता है, यानी पिकाचू ने इन तीनों को हराया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक गोलम भी है, और गोलम एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है जिस पर इलेक्ट्रिक टाइप कोई भी असर नहीं होगा, फिर भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इल्यूमिनेशन दिखाया जाता है और वो फ्लेंट भी है, इसका मतलब ये भी एक मिस्टेक है। तो और अब चलते हैं मूवी से कुछ हिडन डिटेल की तरफ। हिडन डिटेल नंबर 1, तो इसमें जो एक ट्रेनर रहता है जिसके पास विनसॉर रहता है, उसके जो पोकेमॉन रहते हैं वो सारे के सारे मांगा में एक ट्रेनर के पास रहते हैं। हिडन डिटेल नंबर 2, पोकेमॉन की ये जो मूवी थी म्यूटू स्ट्राइक बैक, इस पे एक मांगा ऑलरेडी बन चुकी थी और उसी मांगा को फिर मूवी के रूप में हमें दिखाया गया। और हाँ, मांगा में बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिसे मूवी से कट कर दिया गया था, क्योंकि वो इस चीज़ को एनिमेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही थी कुछ हिडन डिटेल मूवी से लेके। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारा एक एम है 600 सब्सक्राइब का, तो उसे भी कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए